ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से राधा कृष्ण जो है अपने भक्तों के भाव के अनुसार हृदय में उस रूप से प्रकट होते रहते हैं। किसी के हृदय में राधा गिरिधारी, किसी के हृदय में राधा मदन मोहन, किसी के हृदय में राधा गोविंद के रूप में, समझे ना। तो जब प्रकट होने के बाद हमारे हृदय में जब निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक हम उनकी सेवा करते रहते हैं, हाँ, गुरु के अध्यक्षता में, तो ये राधा कृष्ण के विग्रह जो है हमारे हृदय में जो स्थापित हुए हैं वो प्राण बन जाते हैं हमारे, हाँ, एक प्रकार की उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होने के कारण वो हमारे प्राण बन जाते हैं और हम उनके बगैर रह नहीं सकते। और उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करने हेतु हम अपने वरिष्ठ भक्त जैसे यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है अपने साधक के रूप में, नरोत्तम दास ठाकुर साधक के रूप में यहाँ पे विनंती कर रहे हैं, किसको, रूप गोस्वामी को और उन सारे अनुयायियों को यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सिद्ध देह में श्री नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी है और श्री रूप गोस्वामी के एकदम निकट के मंजरी है, उनके अध्यक्षता में वो सेवा करते हैं, रूप मंजरी के अध्यक्षता में। हम इसकी चर्चा, साधक देह और सिद्ध देह की चर्चा हम राधा दास्य सेमिनार में किए हैं, अगर आपको याद है, अपने नोट्स निकाले हैं और उनका स्मरण करते रहते हो आप, तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमें याचना करनी चाहिए साधक देह में, हाँ, और सिद्ध देह में। तो यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर साधक देह में श्री रूप गोस्वामी और उनके अनुयायियों के प्रति, उनके चरणों में विनंती कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में राधा कृष्ण के विग्रहों की उद्गम हुआ है, उजागर हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए वो गा रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण मेरे प्राण है, जुगल किशोर, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी है, किशोर मतलब किशोर अवस्था, हाँ, की ये जोड़ी, समझे, बाल्य अवस्था भी होती है, पौगंड अवस्था भी होती है भगवान की, किशोर अवस्था की, हाँ, इस जोड़ी, ये जो है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, किशोर अवस्था में जो राधा कृष्ण है, हाँ, ये मेरे प्राण है,
जीवने मरणे गति आर नाही मोर, मैं जीऊंगा या मरूंगा उनके लिए ही जीऊंगा, उनके लिए ही मरूंगा, उन्हीं की मैं सेवा करूंगा। जीवने मरणे गति, गति मतलब मूविंग, आगे बढ़ना, समझ गया ना। जीवन या मरण में उनके सिवा मेरी अन्य कोई गति नहीं है, समझ गया ना। मैं मरूं या जीऊं मेरे लिए तो ये दो ही है, राधा कृष्ण प्राण मोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर, मैं किसी भगवान के अन्य रूपों की या अन्य अवतारों की, हाँ कहो वामन देव कहो, नरसिंह भगवान कहो या अन्य जो भी है कहो, इनके प्रति मेरी नहीं। मेरे जीवन और प्राण कौन है, मेरे प्राण कौन है, राधा कृष्ण, और वो भी जुगल किशोर, किशोर अवस्था के जो राधा कृष्ण है, यही मेरे प्राण रहेंगे। और मेरी गति मतलब मैं जो भी अपनी सेवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आगे बढ़ूंगा तो उनके तरफ बढ़ूंगा, उनकी सेवा हेतु आगे मैं कदम रखूंगा। तो वो जोड़ी के विषय में और थोड़ा डिटेल्स चर्चा कर रहे हैं। कालिंदीर कूले के लिए कदम बेर वन, रतन बेदीर ऊपर बोसाओ वो दुजन। मैं उन्हें क्या करूंगा, कालिंदी के तट पर मतलब यमुना के तट पर, हाँ कदम्ब पेड़ के नीचे इस वन में, हाँ रतन बेदीर ऊपर, रत्नस मतलब रत्नों से जड़ित सिंहासन पर, हाँ उन्हें बिठाऊंगा, दोनों जन को अपने हाथ पकड़कर उन्हें बिठाऊंगा। रतन बेदीर ऊपर बोसाबु दू जन, दोनों जन को, राधा और कृष्ण को कहां पे बिठाऊंगा मैं, हाँ कलिंदी के तट पर, यमुना के तट पर जो वन है, हाँ और कदम्ब वृक्षों से भरा हुआ है, उनमें से एक सुंदर कदम्ब वृक्ष को चुनकर वहां पे रतन बेदीर मतलब रत्नों से जड़ित सिंहासन ऐसे बनाकर, ऐसे सिंहासन का निर्माण कर उन दोनों के हाथ पकड़कर मैं उन्हें बिठाऊंगा, समझ गया ना। कालिंदीर कूले के लिए कदम बेर वन, रतन बेदीर ऊपर बोसाबु, बोसा मतलब बिठाऊंगा दुजन, दोनों जन को। फिर क्या करूंगा, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदन अरे गंध, चंदन एर गंध, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदन एर गंध, चामर डुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। बहुत सुंदर है, डिटेल्स में क्या क्या करूंगा, कहाँ कहाँ बिठाऊंगा, कैसे उन्हें ले जाऊंगा, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं ऐसा करूंगा, समझ गया ना। श्याम गौरी मतलब दोनों, राधा और कृष्ण, श्याम मतलब कृष्ण और गौरी मतलब राधा, श्रीमती राधा, गौरी अंग की है इसलिए गौरी कहा गया। श्याम गौरी अंगे दिबो दोनों के चरणों में, उनके हाथों पर, उनके गालों पर या उनके माथे पर, उनके गले पर क्या लगाऊंगा, चंदनर गंध, चंदन का लेप लगाऊंगा, समझ गया। और क्या करूंगा, उन दोनों को चामर डुलाऊंगा, उनके मुखों के तरफ दर्शन मतलब उनका मुख का दर्शन करते हुए, हाँ बड़े भाव से चामर डुलाऊंगा, ऐसी मैं सेवा करूंगा। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ साधक देह में है
और ऐसी इच्छा कर रहे हैं और रूप मंजरी और अन्य अनुयायियों के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे मैं करूंगा ऐसा हुआ, करूंगी ऐसा नहीं, समझ गया ना, कब मैं करूंगा, ओके हाँ, कब मैं इस कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर सुंदर सिंहासन, रत्नों से जड़ित सिंहासन बनाऊंगा, कदंब पेड़ के नीचे रखूंगा और दोनों को बिठाऊंगा, राधा और कृष्ण को बिठाऊंगा और उनके सारे शरीर को चंदन का लेप लगाऊंगा, और ये सब मैं कब इस तरह से लगाना चाहता हूँ, हाँ ये सब मैं करना चाहता हूँ, ऐसी विनंती अपने अधिकारी व्यक्तियों को, मतलब जो भी मंजरी सखी है, या सखी के रूप, सखी जो है साधक के रूप में, रूप मंजरी, रति मंजरी, इनके चरणों में विनंती कर रहे हैं। गाथिया माला तिर माला दिवो दोहार गले, अधर तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले। गाथिया मतलब बनाना, क्या बनाना है, माला तिर माला, अनेक फूलों को चुनकर इस वनों में जितने भी सुगंधित फूल है, भगवान को जो सुगंधित फूल नहीं है यह अर्पण नहीं करना चाहिए, यह अपराध के समान है, जो सुगंधित फूल है उसी को अर्पण करना चाहिए, फिर वो माला के रूप में हो या ऐसे फूलों के रूप में हो, भगवान के चरणों में कैसे फूलों के अर्पण करना चाहिए, सुगंधित, समझ गए ना। गाथिया माला तिर माला दिवो दोहार गले, मैं सुगंधित फूलों को चुनकर उनकी माला बनाऊंगा और बनाकर दोनों के गले में मैं उसे क्या करूंगा, अर्पित करूंगा, दोनों के गले में डालूंगा और फिर उसके उपरांत क्या करूंगा, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले, तांबुल जो है मतलब पान जो खाते हैं हम, पान जो खाते हैं उसके अंदर कर्पूर डालकर मैं दोनों के श्री मुख में दे दूंगा ताकि वो खा पाए। ललिता विशाखा आदि जति सख वृंद, अज्ञाय करिबो सेवा चरणार बिंद। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, अज्ञाय करिबो सेवा चरणार बिंद। तो ललिता और विशाखा, आदि जति सखी वृंद, उनके अंडर, ललिता और विशाखा के अंडर में जितने भी अन्य सखियां सेवा कर रही है या मंजरी सेवा कर रही है, ललिता विशाखा आदि और जत सखी वृंद, जितने भी जत सखी मतलब जितने भी उनके अध्यक्षता में, वृंद मतलब ग्रुप ऑफ सखीज, सखियों की टोली या मंजरियों की टोली, अज्ञाय करीबो सेवा चरणार बिंद, इनके श्री चरणों में मैं विनंती करता हूं कि राधा कृष्ण के चरणार बिंद की सेवा करने का मुझे मौका मिले, कब मिलेगा, ऐसी इच्छा ऐसी लालसा, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। हे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो दास है, दास है, दास है, कब मुझ पर कृपा करोगे, मैं आपके अध्यक्षता में इस तरह से भगवान की सेवा करने की इच्छा करता हूं। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, अभिलाष मतलब
अभी वो इच्छा कर रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण उनके प्राण बन गए हैं, समझ गया ना, प्राण बन गए हैं। और किस तरह से मैं सेवा करना चाहता हूं आगे चलकर भगवान की या उनके अनुयायियों की, इस विषय में चर्चा की है कि मैं राधा कृष्ण को इस तरह से रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बिठाऊंगा, कदम का वृक्ष होगा, बहुत सुंदर छाया होगी, ठंडा पवन होगा, उनको चंदन का लेप लगाऊंगा, इस तरह से बहुत सुंदर ऐसे वर्णन वो कर रहे हैं कि डिटेल्स में ऐसे ऐसे मैं सेवा करूं करना चाहता हूं, ऐसे मैं करूंगा, कब कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। तो ऐसे नहीं कि सेवा मतलब सिर्फ थोड़ा सा सुबह उठाया, भगवान को थोड़ा श्रृंगार किया, ये प्राण जब बन जाते हैं ना, जैसे बच्चा हमारा प्राण बन जाता है, जब हमारा छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कैसे कैसे लाड़ प्रेम से, कितने नाजुक तरीके से हम उसकी सेवा करते हैं और कितना डिटेल में सेवा करता है कि वो बीमार ना गिरे तो हम उसको तेल लगाते हैं, अनेक प्रकार के मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जब राधा कृष्ण हमारे प्राण बन जाते हैं तो हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए, इसका विचार हम हर हमेशा करते रहना चाहिए। तो एक शॉर्ट में, सरल रूप में यहाँ पे थोड़ा संक्षेप रूप में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमें विचार करते रहना चाहिए और उस प्रकार से सेवा करते रहना चाहिए। हम तो ऐसे भी गौर निताय कहो, राधा कृष्ण कहो, जगन्नाथ बलदेव कहो, सुभद्रा माई, ये बाल गोपाल कहो, या वॉट एवर जो भी हम उनको सिंहासन पर बिठाए, आसन अच्छा मंदिर बनाकर बिठाए है, फिर आगे डिटेल सेवा होते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि शुरुआत में बहुत हम उत्साहित रहते हैं और एकदम सुंदर रूप से सेवा करते हैं और फिर बाद में ढीले पड़ने लगते हैं, चलेगा चलेगा, है ना, ऐसी बात होने लगती है। इनफैक्ट हम डिटेल्स में और भी सेवा करने की अभिलाषा करनी चाहिए और भक्तों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कैसे करें, क्या करें, और भी अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। यही तो यहाँ पे बात कही जा रही है, नरोत्तम दास ठाकुर हमें यह सिखाना चाहते हैं, समझ गए। ऐसे नहीं कि रूटीन, नहलाया, फिर कपड़े पहनाया, फिर भोग लगाया, खत्म, और डिटेल्स में होनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी भगवान बीमार गिरते हैं, इसीलिए कभी कभी भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं ताकि हम और भी डिटेल्स में उसकी सेवा करें। नहीं, जगन्नाथ जी बीमार गिरते हैं साल में एक बार, जब स्नान अभिषेक हो जाने के बाद, स्नान यात्रा के समय, यस, और जब गर्मी होती है तो भगवान फिर झूले पे झूलना चाहते हैं, तो ऐसी भी सेवा, ये पूरा इस तरह से सुंदर रूप से दिया हुआ है, हमारे आचार्य दिए हुए हैं सब। तो जैसे हमें गर्मी लगती है तो भगवान को भी लगती है, जैसे हम झूले पे बैठते तो भगवान की भी इच्छा होती है, ये हर हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं, उसी तरह से भगवान के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने हैं, अपने प्राण है। ये नहीं कि डेली रूटीन सेवा चल रही है वैसे ही चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है सालों साल, नहीं। तो यहां पे ये कहा गया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। अब ये ध्यान में रखिए कि पूरे अभी तक के सारे प्रार्थनाओं में श्री नरोत्तम दास ठाकुर दासों के दास बनकर सेवा करने की अभिलाषा कर रहे हैं, और वो वही एक विधि है,
उस विधि से जाएंगे तो ही हम नित्य सेवा कर पाएंगे। छलांग लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। समझ गया ना? ओके, ये बहुत सुंदर है। तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर इस साधक देह में, यहाँ पे ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे वो कह रहे, कालिंदी यमुना के तट पर कदंब के वृक्ष के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर बिठाऊंगा। वैसा कहा जाए, वो सखियों को प्रार्थना कर रहे हैं तो बिठाऊंगी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी है, कृष्ण लीला में मंजरी है। इस भौतिक जगत में वो हमें ज्ञान देने के लिए, हमें सिखाने के लिए वो एक पुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। बट वो अपने सिद्ध देह में, मतलब साधक देह में, मैं करूंगा, बिठाऊंगा, डालूंगा, इस तरह से एक पुरुष जैसा उद्गारता है, उस तरह से शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो यह अभिलाषा, मतलब आगे जब एक्चुअली फैक्चुअली जब फैक्ट में जब हम करने लगेंगे तब ये करूंगी, बिठाऊंगी, ऐसे शब्दों का उच्चारण होगा जब सिद्ध देह प्राप्त होगा तब। समझ गए? तो यहाँ पे इस तरह से प्रार्थना है, तो हमें भी इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए अच्छे से अच्छा सेवा हो ताकि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरि नाम संकीर्तन की जाय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जाय, राधा गोपीनाथ की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।